स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 20 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में वर्षों पुरानी गफूर बस्ती पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी। हल्द्वानी में रेलवे अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने नैनीताल जिला प्रशासन के साथ बीते दिनों पहले भी एक बैठक की है। ऐसे में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए फोर्स और अधिकारियों की तैनाती के साथ ही रेलवे के प्लान को जिला प्रशासन को देना है। हल्द्वानी स्थित डीएम कैंप कार्यालय में डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे के जिला प्रशासन की 4 अप्रैल को एक बैठक हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा रेलवे को कहा गया है कि इतने बड़े अतिक्रमण के हिस्से को हटाने के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्योंकि 4,500 अतिक्रमण है जिनको तोड़ा जाना है, क्योंकि अतिक्रमण का एरिया बहुत बड़ा है। ऐसे में अलग अलग फेज में किस तरह की कार्रवाई होनी है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर मैन पावर के साथ ही संसाधनों की ज़रूरत होगी, उसकी रूपरेखा रेलवे जिला प्रशासन को 11 अप्रैल को देगा, जिसके बाद वो SSP नैनीताल के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें अतिक्रमण के दौरान कितने मजिस्ट्रेटों और फोर्स की तैनाती की जाएगी। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। हमारे बीच में 3 या 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी रेलवे अथॉरिटीज के साथ, कि आप किस जगह से पहले अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4,500 के करीब आपके अतिक्रमण हैं जिनको हम लोगों ने हटाना, तो वो एरिया स्पेसिफिक बताएंगे, फर्स्ट फेज में क्या हटाना, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, तो और मैन पावर अपना कितना वो डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जैसे भी मशीनें चाहिए, या फिर उसको एक बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद उसका डिस्पोजल कहाँ होगा उसका, तो ये सारी चीज़ प्लानिंग के साथ ये लोग 11 तारीख को हम लोग अपनी रिपोर्ट हमें दे देंगे। फिर हम लोग SSP और हम लोग बैठ के एक असेसमेंट करेंगे कि हम लोग को कितने फोर्स की आवश्यकता है, कितने मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता है, क्योंकि ये जब अतिक्रमण हटेगा तो ये एक सप्ताह में हटने वाला अतिक्रमण नहीं है, ये तो लगातार 1-2 महीने भी इसमें हटाने में चल सकते हैं। जब वो डिसाइड हो जाएगा तब हम अपनी फोर्स की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना अतिक्रमण। सर, पुनर्विस्थापित का मुद्दा भी कहीं ना कहीं उसमें उठाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कार्रवाई की, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज में जो डायरेक्शन है उसी का पालन करेंगे, क्योंकि ये दूसरा मुद्दा है, क्योंकि पहले हम जो आदेश हमें मिले हैं माननीय उच्च न्यायालय के जो डायरेक्शन हैं कि रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ बैठक करें, निर्णय करें, और जब वो डिसाइड हो जाएगा तो वो उसकी बात हम अलग से बात करें।